बसमरिम क्लास मैट्रिक एक्सरसाइज ट्वेंटी वन पॉइंट फोर में आपको करवा रही हूँ और ट्वेंटी वन पॉइंट फोर का क्वेश्चन नंबर वन टू हम कर चुके हैं थोड़े से लेंदी क्वेश्चन हैं बट आपके पास बहुत ईजी से क्वेश्चन हैं थोड़ा सा आपने केयरफुली इनको सॉल्व करना है ताकि आपकी वैल्यूज़ में कोई स्टेक ना हो मैथड अगर आप अच्छे से सीख लें तो क्वेश्चन को आप ज़रूर एग्जाम्स में अटैप्ट कर सकेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री मैं करवाने जा रही हूँ आपको आज इसका क्वेश्चन नंबर थ्री है एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ठीक स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को अब आपके पास यहाँ पे सबसे पहले आपने क्वेश्चन को लेट करेंगे तो यहां से आपके पास क्वेश्चन मौजूद है एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अब आप देखें तो ये आपके पास लीनियर फैक्टर है ठीक है तो ये आपके पास वन प्लस एक्स एज इट इज आ गया और इसके ऊपर आपके पास सिंपल कॉन्स्टेंट आ जाएगा ए वन अब आपके पास x वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो इसके लिए आपके पास क्या होगा पहले तो x आपके पास आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर अब ये भी ऑलरेडी क्वाड्रेटिक है तो ऊपर दो कांस्टेंट आएंगे ए टू एक्स प्लस ए थ्री वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक एक्सपोरेंट यहाँ एक एक यह, है जब तक ये ना आ जाए इस तरह टू थ्री करते जाते हैं अब ऊपर भी दो कॉन्स्टेंट आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है ए फोर एक्स प्लस ए फाइव से हम इक्वेजन नंबर वन का नाम दे देंगे नाउ अब हम यहाँ पर लिखेंगे हेयर A one, A two, A three, A four, and A five are unknown constants to be determined. अब करने के लिए आपने क्या करना होगा यहाँ पर अब आपने करना होगा मल्टीप्लाइंग बाय अब जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में से मल्टीप्लाई कर लें इस तरफ मल्टीप्लाइंग बाय वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स दोनों साइड्स पे कर लेंगे यहाँ पे करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास जस्ट ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर

ए टू एक्स प्लस ए थ्री मल्टीप्लाई होगा वन प्लस एक्स से भी और एक्स स्क्वायर प्लस वन से भी एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा ये आप इसे एक्स स्क्वायर प्लस वन भी लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर है ठीक अब ए फोर एक्स प्लस ए फाइव के साथ मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर वाली पूरी टर्म कैंसिल हो गई वन प्लस एक्स सिंपल अब इसे करेंगे आप सिंप्लीफाई एक्स स्क्वायर एज इट इज होल स्क्वायर है तो फॉर्मूला ओपन करें ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का तो ए स्क्वायर ए ऑलरेडी स्क्वायर में तो ए एक्स फोर प्लस टू अंजर टू एक्स स्क्वायर प्लस वन फॉर्मूला ओपन हो गया दोनों ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई कर लें देन फिर इसके साथ कर लेंगे तो ए टू एक्स प्लस ए थ्री इज

मल्टीप्लाई हाँ. कर लें ए वन एक्स फोर प्लस टू ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए वन वन सा ए वन इनको आप पूरा मल्टीप्लाई कर लेर uh, जा

एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स फोर की टर्म्स को एक तरफ करेंगे ए वन एक्स फोर प्लस ए टू एक्स फोर देखिए ए वन एक्स फोर ए टू एक्स फोर और कोई एक्स फोर की टर्म नहीं है फिर क्यूब की तो ए टू एक्स क्यूब ए थ्री एक्स क्यूब स्क्वायर की टर्म टू ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ए फोर एक्स स्क्वायर स्क्वायर की टर्म हो गई नाउ एक्स टर्म्स ए टू एक्स प्लस ए थ्री एक्स प्लस ए फोर एक्स प्लस ए फाइव एक्स कॉन्स्टेंट टर्म्स लिखेंगे कॉन्स्टेंट टर्म्स में ए वन आ गया ए थ्री आ गया ए फाइव आ गया अब टर्म्स काउंट कर लें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ये हो गई तमाम टर्म्स अब कॉमन ले लें एक्स फोर के कोफिशंट्स एक तरफ कर लें ए वन प्लस ए टू X four A two plus A three X cube two A one plus A two plus A three plus A four X square plus A two plus A three plus A four plus A five एक्स के प्लस ए वन प्लस ए थ्री प्लस ए फाइव कॉन्स्टेंट टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन तमाम के तमाम है ऐसा ना हो कोई भी एक स्केप हो जाए ना तो क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है तो इस वजह से बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा अब देखें ए वन है ए टू है अब अब कोई भी जो है ना ए वन ए टू आ रहा है ए टू ए थ्री आ रहा है किसी को भी कंपेयर करके नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि ना कॉन्स्टेंट टर्म अके लिए ना एक्स की टर्म सब के साथ मौजूद है तो आपने एक्स को वैल्यू को पुट करके किस तमाम कॉन्स्टेंट्स को जीरो करना होगा सिवाय एक के अब देखें तमाम यहाँ पर है पॉजिटिव तो नेगेटिव पुट करना होगा ये तो कन्फर्म हो गया क्यों क्योंकि तमाम के साथ पॉजिटिव साइन है वरना तो ऐड ही होंगे माइनस तो कुछ होगा ही नहीं तो हम माइनस का वन पुट करके देखते हैं तो माइनस वन पुट करेंगे तो क्या माइनस वन का एक्सपोनेंट फोर है तो ये पॉजिटिव रहेंगे ये जाएगा A2, A2 A2 हो जाएगा नेगेटिव माइनस का ए टू माइनस का ए थ्री ए टू से ए टू कैंसिल हो जाएगा कि नेगेटिव है ये पॉजिटिव है चले ए वन बचा हुआ है ए थ्री बचा हुआ है देखिए टू ए वन है नेगेटिव पुट करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा तो ये सारे पॉजिटिव ही रहेंगे यहाँ पर देखिए सारे नेगेटिव हो जाएंगे ए टू इस ए टू से कैंसिल हो जाएगा ए थ्री इस ए थ्री से कैंसिल हो जाएगा ए फोर इस ए फोर से कैंसिल हो जाएगा ए फाइव बचेगा अभी तक आप देखें ए वन बचा हुआ चल रहा है ए वन यहाँ मौजूद ही नहीं था तो कैंसिल ही नहीं हुआ अब ये कॉन्स्टेंट्स हैं तो ए वन पॉजिटिव है ए वन कैंसिल नहीं होगा ए थ्री यहाँ पर है पॉजिटिव यहाँ पर है नेगेटिव कैंसिल यहाँ पर है ए फाइव पॉजिटिव यहाँ पर है नेगेटिव कैंसिल तो इस तरह ए थ्री भी कैंसिल हो जाएगा ए फोर भी ए फाइव भी सिवाय ए वन के तो हम यहाँ पर पुट करेंगे पुट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस इसको इक्वेजन का नाम भी दे दें टू का तो यहां से आपके पास माइनस वन का स्क्वायर ए वन प्लस ए टू माइनस वन की एक्सपोनेंट फोर ए टू प्लस ए थ्री माइनस वन के एक्सपोनेंट थ्री टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर माइनस वन का स्क्वायर प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फाइव माइनस वन प्लस ए वन प्लस ए थ्री प्लस ए फाइव एज इट इज कॉन्स्टेंट सेना Now, अब यहाँ पे करें तो माइनस वन का स्क्वायर करने के बाद प्लस वन हो जाएगा ये माइनस वन का फोर है पॉजिटिव हो जाएगा तो ए वन पॉजिटिव ए टू भी पॉजिटिव ये माइनस नेगेटिव मतलब माइनस का वन बचेगा माइनस का वन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ए टू माइनस का ए थ्री माइनस वन का स्क्वायर है का सब पॉजिटिव ही रहेंगे टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर ये सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे तो माइनस का ए टू माइनस का ए थ्री माइनस का ए फोर माइनस का ए फाइव प्लस का ए वन प्लस का ए थ्री प्लस का ए फाइव क्योंकि ये तीनों कॉन्स्टेंट है इनके साथ एक्स मल्टीप्लाई नहीं हुआ प्लस ए टू माइनस ए टू माइनस ए थ्री प्लस ए थ्री माइनस ए थ्री प्लस ए थ्री प्लस ए फाइव माइनस ए फाइव माइनस ए फोर प्लस ए फोर माइनस ए टू अब यहाँ पे आपके पास ए टू है माइनस का ए टू है प्लस का कैंसिल आउट तमाम हो गए कैंसिल ए वन बचा टू ए वन बचा ए वन बचा तो यहां से हो गए फोर ए वन फोर यहां मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरी साइड जाके डिवाइड करेगा वन के साथ तो ए वन की वैल्यू आ गई वन अपॉन फोर अब ए वन आ गया ए वन की हेल्प से आप इक्वेट करके कॉफी क्या कर सकते हैं ए टू को फाइंड कर सकते हैं ए टू आ जाएगा तो ए थ्री फाइंड हो सकता है बाकी तमाम भी फाइंड आउट हो सकते हैं तो आप लिखेंगे टू डिटरमाइन रिमेनिंग कॉन्स्टेंट बाइक वेटिंग ट बोथ साइड यहां पर आपके पास हो जाएगा एक्स फोर का देखे इक्वेजन अच्छा इक्वेजन भी लिखना है किसको किसकी टर्म्स को इक्वेट करना है आपने इक्वेजन टू ऑफ इक्वेजन टू तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा ए वन प्लस ए टू एक्स फोर का कोफिशन यहाँ पर है यहाँ पर मौजूद नहीं है एक्स फोर तो उसका कोफिशन ज़ीरो होगा अब ए वन आपको पता है वन अपॉइंट फोर है तो ए वन की वैल्यू यहाँ पुट की वन अपॉइंट फोर प्लस ए टू इक्वल है जीरो के ए टू यहाँ ही रहा ये प्लस का वन अपॉइंट फोर वहाँ जाके माइनस का वन पॉइंट फोर हो गया ए टू आपके पास आ गया नाउ ए टू की मदद से ए थ्री फाइंड आउट करें अब आपके पास ए टू प्लस ए थ्री आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं हेडिंग दे सकते हैं कि टू फाइंड ए थ्री वी क्वेट एक्स क्यूब कोफिशेंट ठीक है इस तरह से हेडिंग देते जाएंगे तो आपके लिए इजी भी रहेगा ए टू प्लस ए थ्री इक्वल है देखें एक्स क्यूब का यहाँ मौजूद नहीं एक्स क्यूब के टर्म्स तो उसका कोफिशंट जीरो होगा अब ए टू आपके पास आ गया है माइनस वन फोर प्लस ए थ्री तो यहाँ से आपके पास ये जीरो के इक्वल है माइनस का वन अपन फोर दूसरी साइड जाके प्लस का वन अपॉइंट फोर हो जाएगा ए so, थ्री भी आपके पास आ आगे है यहां से वन अपॉन फोर नाउ इक्वेटिंग कोफिशेंट ऑफ इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं एक्स स्क्वायर वी गेट टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर यहाँ मौजूद है तो इसका कोफिशेंट है वन अब ए वन की वैल्यू रखिए ए वन है वन अपॉइंट फोर ए टू की वैल्यू रखिए वो है माइनस वन अपॉइंट फोर ए थ्री की वैल्यू रखिए वो है प्लस वन अपॉइंट फोर ठीक है ये माइनस का वन पॉइंट फोर प्लस के वन अपॉइंट फोर से कैंसिल टू वन जा टू 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 ज फोर ये वन अपॉन टू प्लस ए फोर इज इक्वल्स टू वन ये हाफ यहाँ प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस करेगा एलसीएम लेंगे यानी सिंपल टू एल्सियम आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वन टू ज टू वन वन जा वन तो ये आ गया वन अपॉन टू टू माइनस वन वन अपॉन टू अब आप, आपके पास ए फोर भी आ गया अब आप कॉन्स्टेंट्स को करें तो नाउ इक्वेटिंग कॉन्स्टेंट टर्म्स या वी इक्वेट कॉन्स्टेंट टर्म्स टू फाइंड ए फाइव वी गेट ये आप हेडिंग जरूर दीजिएगा इससे ज्यादा इजी और कन्वीनियंट रहेगा मेथड आपको भी समझ आता रहेगा जब जब इसे पढ़ेंगे वरना आप सोचते रहेंगे किसको किसके इक्वेट करके किसको फाइंड किया है कांस्टेंट यहाँ मौजूद नहीं है तो कांस्टेंट यहाँ पर जीरो हो जाएगा ये कांस्टेंट्स को हमने लिया है ए वन आपको पता है ए थ्री भी आपको ए फाइव फोर एल सी एम आ गया इसके नीचे मौजूद है इसके नीचे मौजूद है वन प्लस वन इट इज वन प्लस वन हो गए टू अपॉन फोर प्लस ए फाइव टू वन ज टू 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 ज फोर ये वन अपॉन टू प्लस ए फाइव इक्वल है जीरो के प्लस का वन अपॉन टू दूसरी साइड जाके माइनस का वन अपॉन टू हो जाएगा ए फाइव आ गया माइनस हाफ के इक्वल अब ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव तीनों आ गए तो फाइनली पर दैल्यूज ऑफ ए वन ए टू ए थ्री पर दैल्यूज वन ए टू ए थ्री ए फोर एंड ए फाइव इनिक्वेजन वन वन में पुट करेंगे अब इक्वेजन वन है आपके पास ये मौजूद है इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज एक वन आपके पास आया है वन अपॉइंट फोर वन प्लस एक्स एज इट इज ए टू आपके पास आया है माइनस वन अपॉइंट फोर एक्स प्लस ए थ्री आपके पास आया है वन अपॉन फोर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ठीक प्लस ए फोर आपके पास आया है वन अपॉन टू एक्स प्लस ए फाइव आपके पास आया है माइनस वन अपॉन टू वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अभी आपके पास ए अपॉन बी अपन सी है तो आपके पास आपको पता है कि ये जो है वो नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर वन प्लस एक्स के साथ यहाँ पे फोर सी एम आ जाएगा फोर नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर वन प्लस एक्स स्क्वायर के साथ ऊपर आपके पास माइनस एक्स है प्लस का वन है तो आप लिख सकते हैं इस तरह से वन माइनस एक्स ठीक है नेगेटिव साइन कॉमन लेने के बजाय हम इसको पलट दें बुक में देख लेते हैं जिस तरह से आंसर होगा फिर उसी तरह से चेंज भी कर देंगे चले टूवल्व से हम आ गया टू नीचे जाके मल्टीप्लाई करेगा दोनों के नीचे टू मौजूद है कोई फ़र्क नहीं पड़ना आपके पास ये हो जाएगा एक्स माइनस वन ठीक है एक्स पॉजिटिव है माइनस का वन ये आ गया सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया रिजॉल्व फ्रेशल फ्रैक्शन में Now let's check the answer. वन upon फोर वन plus x, वन minus x upon फोर x square plus वन x minus वन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ठीक है जस्ट आपके पास इसकी पोजीशन चेंज की हुई जिस तरह से हमने की थी ये आपके पास किया हुआ है वन एक्स स्क्वायर प्लस वन तो उस तरह से भी लिख सकते हैं आप कोई मसला नहीं है ये तो आपके पास एक्सरसाइज ट्वेंटी वन पॉइंट फोर का क्वेश्चन नंबर थ्री आई हो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे लास्ट के टू क्वेश्चन रह चुके हैं वो भी मैं आपको इनशाला जल्दी सॉल्व करवा दूंगी ताकि एक्सरसाइज ये यूनिट खत्म हो जाए देन फिर हम ट्वेंटी वन पॉइंट फोर के बाद स्टार्ट करेंगे यूनिट ट्वेंटी टू एंड साथ साथ यूनिट नंबर थर्टी भी ठीक क्योंकि फर्स्ट ही थर्टी की बहुत ज़्यादा तो यूनिट थर्टी भी स्टार्ट करेंगे दैन ट्वेंटी टू भी स्टार्ट करेंगे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन